हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, पिछले सेशन में हमने मैथ के सिंपलीफिकेशन पार्ट 5 पढ़े थे मेरे प्यारे मित्रों, और आज पढ़ेंगे पार्ट 6। तो चलिए देर ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन। तो आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी मेरे प्यारे भाइयों बहनों बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी, और चलनी भी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। तो आप अपनी तैयारी इसी समय से बढ़िया से लग जाइए, क्योंकि नए साल में मेरे प्यारे मित्रों बेहतरीन वैकेंसी आने वाली है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ज्यादा से ज्यादा संख्या में हर विभाग में वैकेंसी आने वाली है। देखिए, यूपीपी 60,244 पद आ चुका है। आप अपने प्रिपरेशन में मेरे प्यारे मित्रों लग जाइए, और अपने तैयारी जो है बिल्कुल स्ट्रांग ढंग से कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अपनी तैयारी कर रहे होंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप हमारे इस सेशन को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों तक हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, और लेते हैं बढ़िया सा सेशन मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ में मेरे प्यारे मित्रों, मैथ में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, हम आप लोगों को मैथ में आज सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पार्ट 6 पढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं, लेते हैं बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन। तो बने रहिए आप हमारे इस सेशन में, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे मित्रों, या फिर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैथ जो है सब में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हर इस पे इतने सब एग्जाम में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी मैथ का जो है रोल जो है बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करे रहेंगे तो आपको अच्छा स्कोर देके जाएगा, ये मेरा मानना है। और ये ऐसे सब्जेक्ट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप इनका डेली प्रैक्टिस करिए, डेली लगाइए, अच्छे से आप जो है आपकी ऊंचा मेरे प्यारे मित्रों आपकी जो है तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से होगी। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर, और लेते हैं एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 - 1/2। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 9 - 1 2/, यहां पर है मेरे प्यारे मित्रों 2/9, 9 - 1 2/9 मेरे प्यारे मित्रों का 3 सही करा, का 3 सही, 3/ मेरे प्यारे मित्रों 3 सही, 3/11, 3/11 और भागा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग नोट करते चलिए, 5 भागा 5, 5 सही 1/7, 5 सही मेरे प्यारे मित्रों 1/7 का कह रहा है का 7/9 क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है इतने का 7/9 मेरे प्यारे मित्रों कह रहा है क्या होगा। सात बटे नौ का मेरे प्यारे भाइयों बहनों कह रहा है बराबर, मान ज्ञात करें या क्या होगा, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को चलते हैं हल करते हैं, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे मित्रों कि क्या आंसर आएगा। ए हमें 8 दिया है, और बी दिया है मेरे प्यारे मित्रों 9, बी हमें दिया है इस क्वेश्चन का 9, और सी दिया है 8 सही 35/36, और डी दिया है मेरे प्यारे मित्रों, नोट करते चलिए आप इस क्वेश्चन को, डी दिया है 8 सही
आठ सही एक बटे छत्तीस, आठ सही एक बटे छत्तीस मेरे प्यारे मित्रों। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों एसएससी 2002 के एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों। एसएससी 2002 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो देखिए आप लोग इसको देखिए ध्यान से कैसे हम इसको हल करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 9 माइनस, मेरे प्यारे मित्रों 9 माइनस 9 इक्यम 9 बराबर 11 बटे 9, 9 दो 11 मेरे प्यारे मित्रों का कह रहा है 3 11 3 33 का 36, 36 बटे 11 मेरे प्यारे मित्रों, 36 बटे 11 भागा 36 बटे 7 भागा 7 पचे 35 से 36 बटे 7 मेरे प्यारे मित्रों का 7 बटे 9 कह रहा है। 36 बटे 7 बटे 9 का मान क्या होगा कह रहा है, ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 मेरे प्यारे मित्रों और भागा 4, नोट करते चलिए 9 माइनस 4 भागा 4 मेरे प्यारे मित्रों बराबर, देखिए मेरे प्यारे मित्रों इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे 9, यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 बराबर 8। बस इतना ही इस क्वेश्चन में हमें करना था मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिए ये कैसे आया मेरे प्यारे मित्रों, ये कट गया मेरे प्यारे मित्रों 9 9 चौक 36 और ये 4 आ गया मेरे प्यारे मित्रों, और ये 4 से हम इसको भाग दे दिए मेरे प्यारे मित्रों, 4 1 4 9 में से घटा दिए तो हमारा आंसर आ गया 8। बिल्कुल हमारा यही क्वेश्चन सही होगा और ए विकल्प बिल्कुल सही है। तो आप लोग जो है मेरे प्यारे मित्रों हमारे सेशन से जुड़िए, हम आप लोगों को 10 से 15 सेकंड में मैथ के चाहे जो चैप्टर हो मेरे प्यारे मित्रों हम आप लोगों को बिल्कुल इजीली ट्रिक के माध्यम से 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करने के लिए सिखाएंगे। तो आप हमारे इस सेशन से जुड़िए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए आप लोग, छोटे 2 प्लस 3 गुड़े 5 प्लस 3 भागा 1/2 मेरे प्यारे मित्रों, 6 प्लस 5 गुड़े 4 भागा 4/5 का मान ज्ञात करें। आरआरबी 2004 के एग्जाम में ये क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों पूछा गया है। ए 5 दिया है, बी 2 दिया है, सी 3 दिया है और डी 1 दिया है मेरे प्यारे मित्रों। तो कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों। 3 2 5, 3 2 5 और गुणे 5, और ये मेरे प्यारे मित्रों 3 2 5 गुणे 5 और ये भाग है दिया है लास्ट में मेरे प्यारे मित्रों प्लस 6। चलिए प्लस 6 मेरे प्यारे मित्रों, तो चलिए अब इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। 5 गुणे 5 प्लस 6 हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और बटे कर दे रहे हैं 6 प्लस 5 मेरे प्यारे मित्रों गुणे 4 बटे 5/4 मेरे प्यारे मित्रों, गुड़े 4 और गुड़े 5/4 मेरे प्यारे मित्रों
सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गया है, यहां पर फोर है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए सिक्स प्लस फाइव गुड़े फोर, और गुड़े फाइव बटे फोर मेरे प्यारे मित्रों। अब इसको हल करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो ये हमारा आएगा इकतीस बटे एक, इकतीस बटे इकतीस, इकतीस बटे इकतीस मेरे प्यारे मित्रों आएगा। और इसको हम अगर काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा वन, वन हमारा बिल्कुल सही है, डी विकल्प यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए इकतीस कैसे आया है, छह पांच ग्यारह, और मेरे प्यारे मित्रों चार चौक सोलह, पांच सोलह, पांच इक्कीस, ओ सॉरी ये देखिए छह पांच ग्यारह मेरे प्यारे मित्रों, और ये इकतीस बटे इकतीस आया है, इसका वन हो गया। तो आप लोग इसका नोट कर लीजिए या फिर इसका, तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इसको देखिए, पांच पच्चे पच्चीस और प्लस छ ये इकतीस, इसको हम मेरे प्यारे मित्रों अगर काटेंगे तो ये भी हमारा इकतीस आएगा। बस इसको इसको काट देंगे, वन आ जाएगा हमारा आंसर। बस इस क्वेश्चन का इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब हम चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेते हैं बढ़िया सा प्यारा सा। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से। ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक है, यदि ए प्लस बी बराबर ए बी बराबर पैंसठ, तो ए तथा बी के मध्य अंतर क्या है मेरे प्यारे मित्रों। ये दिया है क्वेश्चन मार्क, ए बी और ये पंद्रह मेरे प्यारे मित्रों, इसमें ये निशान लगाया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों एसएससी सीजीएल 2018 टीएस सेकंड में पूछा गया है। थ्री फोर फाइव सिक्स चार विकल्प दिए हैं मेरे प्यारे मित्रों, ए है थ्री, बी है फोर, सी है फाइव और डी है सिक्स। चलिए अब इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो नोट करिए आप लोग, ए प्लस बी, ए प्लस बी मेरे प्यारे मित्रों प्लस ए बी, ए प्लस बी बराबर ए बी मेरे प्यारे मित्रों। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पैंसठ है, ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ए बी बराबर ये क्या है पैंसठ है। यदि पैंसठ को पंद्रह मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि पैंसठ को हम क्या लिख सकते हैं, पैंसठ को पंद्रह मेरे प्यारे मित्रों, यदि पैंसठ को हम पंद्रह प्लस पचास के रूप में लिखे, प्लस पैंसठ को हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों अगर हम पचास के रूप में लिखे मेरे प्यारे मित्रों के रूप में लिखे, नोट करिए आप लोग, पचास को यदि पैंसठ को पंद्रह प्लस फिफ्टी के रूप में लिखे तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी नोट करते हैं आप लोग, चलिए इस क्वेश्चन को, तो ए प्लस बी और प्लस ए बी बराबर पंद्रह प्लस पचास, पंद्रह प्लस पचास मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यदि ए बराबर दस, यदि नोट करिए आप लोग, यदि ए बराबर दस मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और बी बराबर क्या होगा, और बी बराबर पांच रखें, और बी बराबर पांच रखें, बी बराबर पांच रखें मेरे प्यारे मित्रों, तो दस, तो देखिए तो दस प्लस पांच, दस प्लस फाइव मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्लस दस गुड़े फाइव, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, बराबर कितने के पैंसठ के, बराबर पैंसठ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए अब इसको हम इस तरह से लिख दिए, तो a माइनस बी, तो a माइनस बी बराबर होगा दस माइनस पांच, दस माइनस पांच मेरे प्यारे मित्रों,
बराबर कितने के आएगा, ये हमारा होगा 5 के, ये हमारा आएगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सी विकल्प बिल्कुल हमारा सही है मेरे प्यारे मित्रों, 5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम आप लोगों को मैथ एकदम इजीली बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करने के लिए बताएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए मेरे प्यारे मित्रों, और हम आपकी तैयारी को बिल्कुल अच्छे ढंग से कराएंगे, ये मेरा मानना है मेरे प्यारे मित्रों। हमारे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप हमारे सभी वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में वॉच करिए, और बढ़िया से हमने सेशन लिया है मैथ का, बेहतरीन सेशन लिया है, इसलिए आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में पढ़ा जाके वॉच करिए और बढ़िया से अपनी तैयारी को मजबूत बनाए मेरे प्यारे मित्रों। तो इसी आशा के साथ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटा देते हैं। चलिए चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, चलिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, यदि x बराबर 943 प्लस 864 का स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर मेरे प्यारे मित्रों, और 1886 गुणे 1728 बटे 1728। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए ध्यान से आप लोग इसको देखिए, माना हमने x की वैल्यू मेरे प्यारे मित्रों, माना हमने x का मान पूछ रहा है इसमें, माना हमने a बराबर 943, इसको हम a मान ले रहे हैं, a बराबर 943, माना हमने a बराबर 943 मेरे प्यारे मित्रों, और b बराबर 864, और b बराबर 864 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माना हमने a बराबर 943 और b बराबर 864, तो 2a, तो मेरे प्यारे मित्रों ये a हमारे मेरे प्यारे मित्रों, तो ये जो है 2a बराबर मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, 2a बराबर 2 गुणे 943 मेरे प्यारे मित्रों बराबर 1886 बराबर 1886 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब चलिए आगे देखिए मेरे प्यारे मित्रों, 2b बराबर यहां पर लिखेंगे 2b बराबर मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग ध्यान से देखिए, 2b बराबर 2 गुणे 864 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 864 बराबर होगा 1728 के, बराबर 1728, नोट करिए आप लोग इस क्वेश्चन को। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, एक फार्मूला है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इतना हमने आपको बता दिया, अब देखिए एक सूत्र हमने आप लोगों को बताया था मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए एक्स बराबर, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक्स बराबर ए प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर, एक्स बराबर ए प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर मेरे प्यारे मित्रों, बटे ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे मित्रों, बराबर यहां पर लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे प्यारे मित्रों प्लस 2ab प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी मेरे प्यारे भाइयों बहनों यहां पर रहेगा प्लस 2ab। तो इस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिए,
टू ए बी हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यहाँ पर हमारा होगा फोर ए बी, और हमारा यहाँ पर होगा मेरे प्यारे मित्रों फोर ए बी, और यहाँ पर हम लिख देंगे टू ए गुड़े टू बी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो फोर ए बी हमारा हो जाएगा फोर ए बी बटे फोर ए बी, और ये हमारा कट जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल वन आएगा, बिल्कुल ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल टीयर टू में मेरे प्यारे भाइयों बहनों 2018 में पूछा गया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और हमने पहले भी बता दिया, बिल्कुल हम आप लोगों को इजीली ट्रिक के माध्यम से ही बता रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए आप जो है अच्छे से सेशन को वॉच करिए, और जो हम बता रहे हैं आप लोग एक नोट बनाइए, उसमें नोट करते चलिए। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए तो आज के लिए मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा बस इतना ही। आज का हमारा यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा, बिल्कुल आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है मेरे प्यारे मित्रों, तो एक लाइक जरूर करिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छा सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़िए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हम आप लोगों को मैथ एकदम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से इजी कॉन्सेप्ट से बताएंगे। मैं सुखराम यादव अपने मित्रों को, अपने भाइयों और बहनों को हमेशा से प्रयास रहता है कि हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताएं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आप लोगों को बिल्कुल मैथ जो है, मैथ के चाहे जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और चाहे जो प्रश्न आप लोगों को बताएंगे, बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में बिल्कुल इजीली ट्रिक के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, या फिर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, मैथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इन सारे एग्जाम में। तो आप जो है अपने सब्जेक्ट को मेरे प्यारे मित्रों अच्छे से प्रिपेयर करिए, अपना जो है सेल्फ स्टडी मेरे प्यारे मित्रों करिए और रिवीजन करिए। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप किसी भी चैनल से पढ़े हम ये नहीं कह रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, आप जो है अच्छे से जब तक आप खुद जो है सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, रोज रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक मैथ आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जो है सेल्फ स्टडी सेल्फ रिवीजन रोज करिए, इससे आपका जो है मैथ जो है अच्छे लेवल से तैयार होगा। और आशा करता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो क्रैक करके बिल्कुल जरूर आएंगे। ये मेरी आप लोगों को, मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को एक सलाह है। तो आप लोग जो है अच्छे से, चाहे जो भी चैप्टर पढ़ाएं मेरे प्यारे मित्रों, अच्छे से वाच करिए और सेशन को पूरा वाच करिए। इससे आपको बहुत अच्छे से तैयारी जो है हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों, और बढ़िया ढंग से होगी। तो इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। अगर आपको मेरे प्यारे मित्रों वीडियो अच्छा लगा है, तो एक लाइक जरूर अपने इस भाई के लिए करिए मेरे प्यारे मित्रों। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए बढ़िया सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में मेरे प्यारे मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।